वेलकम so, बैक तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे आज का जो पेपर आया था फिजिक्स का तो यहाँ पे हम देखेंगे किस टाइप से लेवल रही थी पेपर इजी था हार्ड था या जो पिछले तीन या चार सालों में पेपर आए थे उनसे कैसे डिफरेंट था या फिर सेम ही था सो so, देखिए पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे लास्ट में आपको बोलूँगा मैं लेवल कैसे थी न्यूमेरिकल्स कैसे थे यहाँ पे हम देखेंगे देखिए पहले यहाँ पे है मेरे पास जड़ सीरीज़ देखिए ए चार्ज चार्ज प्रोड्यूस तो कल ही मैंने जो मैंने एम सी क्यू सेशन लाया था वहाँ पे आप देखोगे अगर आप क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पर जाओगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे अच्छे से मैंने दिखाया था इसका कॉन्सेप्ट एंड अगेन जो यहाँ से एम सी क्यूज पूछे गए हैं दे आर नीट पी वाई क्यू दे आर जे के सी टी पी वाई क्यू दे आर सी बी एस ई पी वाई क्यू दे आर एक दो तीन क्वेश्चन मैंने एम एस के भी पी वाई क्यूज़ देखे यहाँ पे क्लियर सो so, जैसा मैं आपको बोल रहा था जैसे मैंने आपके सेशन भी लाए थे ऑब्जेक्टिव सेशन हो वो आपके लिए बेनिफिशियल हुए होंगे सो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस सो हर एक को पता होता है होता है स्टेशनरी चार्ज जो हमारी होती है खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है क्लियर देन सो बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज जब भी आप सो so बबल को क्या करते हो नेगेटिव चार्ज देते हो बेसिकली उसका जो रेडियस होता है वो इंक्रीज हो जाता है देन रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसिस सो अगेन कंडक्टेंस हर एक को पता होना चाहिए अच्छा ससेप्टिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव सक्सेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड स्मॉल अगेन ये मैंने आपको नीट का क्वेश्चन दिखाया था कॉपी पेस्टेड है क्लियर uh, मैंने आपको कल ही कराया था ये क्लियर पैरा मैग्नेट के लिए सो uh, अगेन so यहाँ पे हमारा पैरा मैग्नेटिक देन अगेन ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था जेके सी टी का पी वाई क्यू है या फिर शायद नीट का पी वाई क्यू है बिल्कुल नीट का पी वाई क्यू है एंड डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है दी कोर यूज इन ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड सो एज टू कि इसलिए रिड्यूस इडी करंट लॉस धैन अगेन देखिए जे के सी ई डी का कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है फॉर विच फॉर अ वे प्रोपागेशन ए मीडियम आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी दैट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ अदर्स बेसिकली इट इज फ्रीक्वेंसी क्योंकि विल लॉस टी एंड वेवलिंग जो हमारे पास होती हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है हमारे पास जो रिफ्कटिव इंडेक्स होती है उसके साथ वेरी करती है सो फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंट फ्राम अदर टू हियर हाईगम्स प्रिंसिपल अगेन क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जेके सी का कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हाईगमिस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव इज यूज टू इसलिए ओपटेन दी न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट या मैंने आपको कहा था कि बेसिकली यहां पे दीज आर दी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्लियर या फिर जिसको बेसिकली हम बोलते हैं न्यू सोर्स या फिर पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट के लिए क्लियर यानी कि ओपटेन न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट बेसिकली क्लियर एंड स्टार्टिंग में ही जो सेशन बी था हमारा जो दो क्वेश्चन हमने किए थे एमसी डायरेक्ट यही क्वेश्चन है देन यूनिट ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कल मैंने आपको ये भी क्वेश्चन लाया था कि बोलिए प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमारे पास कितना होता है एंड इसने क्या किया है आपको प्लैंक्स कॉन्स्टेंट पूछा है एंड वहां पे हमने इसका यूनिट भी देखा था साथ में एटी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकंड सो जूल सेकंड देखिए ये जो क्वेश्चन है दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्योंकि जो डिकेज हैं बीटा अल्फा गामा डीके वो आपके सिलेबस में नहीं था बट स्टिल यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ सिलेबस आप इसको मांग सकते हो सो बेसिकली ये बीटा डी की बात कर रहा है so, यहाँ पे एक न्यूट्रिनो बाहर निकलता है पोटेंशियल अगेन डायरेक्ट पढ़ाया था लेक्चर में क्लियर जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट होता है किसके लिए जो हमारे पास सिलीकॉन होता है एंड जर्मीनियम के लिए भी वैल्यू बोला था मैंने जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट एंड हो आपने जिन भी बच्चों ने पूरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे पूरे साल ऐसा नहीं कि आपने लास्ट टेन डेज़ मेरे लेक्चर्स देखे हैं फिज़िक्स के क्योंकि ये इन्वायरमेंट नहीं है इन्वायरमेंट में मैंने हमेशा आपको बोला था अगर आप दो या तीन दिन भी पढ़ोगे दैट इज़ मोर देन सुफिशन टू गेट नाइन्टी परसेंट बट फिज़िक्स में क्या रहता है फिज़िक्स में आपको साल भर या फिर पाँच छः महीने ढंग से तैयारी करनी होती है एंड जिन बच्चों ने थ्रू आउट ईयर ऑलमोस्ट पाँच या छः महीने या फिर तीन महीने भी या चार महीने भी मेरे लेक्चर्स देखे होंगे उनका स्कोर बढ़िया हुआ होगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आपका जो स्कोर हुआ होगा दैट विल बी सिक्सटी फाइव प्लस देन क्योंकि एक ही माँ के क्वेश्चन जो है वो थोड़े ही बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे देखिए डिस्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी हर एक कर पाएगा देखिए इंडक्टन्स कॉइल आर मेड ऑफ कॉपर अच्छा क्वेश्चन क्योंकि एवरीबडी नोस इनकी जो रजिस्टेंस होती है वो लो होती है इसलिए क्योंकि जो इंडक्टर की डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास रजिस्टेंस कम होनी चाहिए एंड कॉपर में ऐसी हमारे पास है इन्फ्रा रेड वेवस इनकी दो इंपॉर्टेंट यूज़ बोला था मैंने क्लियर अच्छा टैंक फिलड विद वाटर अपेयर्स शैलो कल ही ये क्वेश्चन किया था हमने गिलास वाटर क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्वेश्चन अच्छा देन न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देखते हैं क्लियर न्यूमेरिकल हम देखते हैं एंड ये जो न्यूमेरिकल हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे तीन या चार क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फेवरेट टॉपिक है किनका जो एंगल ऑफ मिनिमम डिवेशन बेसिकली मिनिमम डिवेशन का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है क्लियर प्रिज्म वाला केस एंड काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर प्रिज्म तो सिलेबस में नहीं है बेसिकली वहाँ पर मैंने आपको बोला था प्रिज़न प्रिज़म आप करिए क्योंकि डिस्पर्शन इन्होंने मेंशन किया आप प्रिज्यूम करिए अच्छे से क्लियर एंड यही क्वेश्चन पूछा गया है तीन या चार बार प्रीवियस ईयरस में आया है एंड अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस टॉपिक के ऊपर सो so, चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं देखिए अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलिटल प्रिज्म जिसका म्यू आपको दिया गया है कितना अंडर रूट थ्री मूव पैरल टू बेस लाइन क्लियर अगर रे जो हमारी है पैरल मूव कर रही है बेस लाइन को सो बेसिकली इट इज द केस ऑफ मिनिमम डिवेशन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था सो so, देखिए वी नो दैट हमें म्यू कितना दिया गया है हमें म्यू यहाँ से अंडर रूट थ्री के बराबर दिया गया है क्लियर एंड वी नो दैट ए जो हमारे पास होता है इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए एटी सिक्सटी डिग्री कराया था मैंने आपको एंड इसमें बेसिकली हमारे पास आर वन होगा इक्वल टू आर टू एंड बेसिकली हमारे पास आर वन प्लस आर टू होता है इक्वल टू एर फोर अगर मैं यहाँ से क्योंकि आर वन हमारा है इक्वल टू आर टू सो अगर मैं यहाँ से आर वन निकालूँ आई कैन राइट जो आर वन मेरे पास होगा दैट विल बी ए बाई टू क्लियर दैट विल बी ए बाई टू और दैट विल बी सिंपली ए का वैल्यू हमारे पास इक्विलेटर लीटर के लिए सिक्सटी होता है ये आपको खुद से वैल्यू लेना होता है सिक्सटी डिवाइड बाई टू क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपको दिखाए थे सो so, आर कितना हमारा निकलेगा आर वन बोलो या फिर आर ही बोलो आप क्योंकि इन दोनों को आप आर कंसिडर कर सकते हो सो so, यहाँ से कितना बनेगा टू आर विल भी इक्वल टू ए और हमारा आर निकलेगा ए बाई टू जो मैंने आपको दिखाया एंड बेसिकली आपका आर कितना निकलेगा थर्टी डिग्री एंड यहीं से क्वेश्चन हो गया ख़त्म नाउ जब आपने आर निकाला नाउ वी नो दैट जो हमारे पास लेट मी चेंज द कलर जो हमारे पास म्यू होता है म्यू की वैल्यू हमारे पास होती है साइन आई बाई साइन आर एंड देखिए आपको क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए फाइंड दी एंगल ऑफ इंसिडेंट सो आपको आई निकालना है सो आई विल राइट जो मेरे पास साइन आई होगा दिस विल बी इक्वल टू म्यू इन टू साइन आर यहाँ पे एंड म्यू कितना हमारे पास गिवन है म्यू की वैल्यू अंडर रूट थ्री सो अंडर रूट थ्री यहाँ पे साइन आहर सो साइन थर्टी डिग्री सो थर्टी डिग्री का वैल्यू आई थिंक इट इज़ वन बाई टू साइन थर्टी हमारे पास होता है वन बाई टू सो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा अंडर रूट थ्री बाई टू दिस इज साइन आई बट ये आपने साइन आई निकाला सो so आई का वैल्यू कितना होगा सिक्सटी डिग्री क्योंकि uh, साइंस सिक्सटी हमारे पास होता है अंडर रूट थ्री बाई टू सो so, सिक्सटी डिग्री आपका आंसर यहाँ पे रहेगा क्लियर होप आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा एंड दो माह का क्वेश्चन पूछा गया था एंड बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम न्यूमेरिकल्स जो आपसे पूछे जाएंगे दैट विल बी एट मार्क्स एंड अगर कभी हार्ड पेपर आया मैक्सिमम कैन बी फिफ्टीन मार्क्स सो एट मार्क्स आपके न्यूमेरिकल इस पेपर में पूछे गए थे क्लियर देन डिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन अच्छा न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर क्वेश्चन देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्सपेक्टेड होता है क्लियर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा देन किर्च ऑफ स्ला के ऊपर क्वेश्चन देन अगेन न्यूमेरिकल तीन माह का क्वेश्चन पूछा गया है करंट से देन देखिए यहाँ पे भी एक तीन माह का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आई आर एम एस से सो देखिए इनको हम देखते हैं इन न्यूमेरिकल्स को देखिए ए टेन कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन फाइव मिनट तो हमारे पास जो चार्ज है कितनी है टेन कूलम एंड हमारे पास जो टाइम दिया गया है कितना दिया गया है पाँच मिनट लेट मी चेंज इट इंटू सेकंड सो इसको मैं फाइव इंटू सिक्सटी करूँगा दिस विल बी थ्री हंड्रेड सेकंड सो तीन सौ सेकंड देन दीडियस ऑफ द वायर इज़ सो so, आर हमें दिया गया है वायर का कितना वन एम mm, एम करिए एस साइज में चेंज इनकी मीटर्स में सो दिस भी वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री यहाँ पे एक हमारा क्या मीटर देन इट कंटेन्स फाइव इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्योंकि आई थिंक uh, जो न्यूमेरिकल्स होंगे तीनों सेट में सेम होंगे क्लियर सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए गए हैं फ़ाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू पर सेंटीमीटर क्यूब अगेन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में सो देखिए दिस विल बी क्योंकि एवरीबडी नोज आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास एक सेंटीमीटर क्यूब होता है दैट इज़ इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर क्यूब सो दिस विल बी फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू डिवाइड बाई हमारा टेन टू द पावर माइनस सिक्स जब आप इसको ऊपर ले जाओगे दिस विल बी फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू इंटू टेन टू द पावर सिक्स और आई कैन राइट इट एज दिस विल बी फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट एंड आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ था आप आई होप आपने कैलकुलेशन जो की होगी वो ठीक डंग की की होगी नाउ कैलकुलेट देखिए आपको करंट निकालना था एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी सो so, इतना आपने नोट डाउन किया होगा नाउ चलिए करंट निकाल दें हम करंट हमारे पास आई यानी कि पहला पार्ट आई हमारे पास होगा किसके बराबर आई विल भी सिम्पली क्यू बाई टी सो क्यू आपका कितना आपका टेन कूलम डिवाइड बाई टाइम हमने निकाला यहाँ से कितना थ्री हंड्रेड सेकंड ये और ये गया वन बाई थर्टी हमारे पास होता है ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री या फिर जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री भी बोलिए सो जीरो पॉइंट जीरो थ्री एम्पियर या फिर कोई लिखेगा इसको अगर आप कंटिन्यू करोगे जीरो पॉइंट थ्री 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 कंटिन्यूस आप इसको चला सकते हो सो so, ये निकला आपका आई नव हो गया आपका डेढ़ मार्क्स यहीं पे ख़त्म नव ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एवरीबडी नोस हमारे पास इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू एन ए वी डी सो यहाँ से आपको वी डी निकालना था वी डी हमारे पास होगा आई डिवाइड बाई एन ए सो एन ए अच्छा ए ए हमारे पास है एरिया क्लियर सो रेडियस से काम चलेगा यहाँ पे क्योंकि देखिए एरिया किसके बराबर होगा सर्कुलर वायर uh, होगी दियर फोर पाई आर स्क्वायर और दिस विल बी पाई इंटू यहाँ पे टेन टू द पावर माइनस थ्री का स्क्वायर दैट विल बी पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स समझ में आया होगा ये हमारा एरिया होगा यहाँ पे क्लियर सो आई का वैल्यू हमने निकाला कितना जीरो पॉइंट जीरो थ्री या फिर थ्री थ्री डिवाइड बाई एन का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला फाई इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट इंटू मै एरिया एरिया कितना हमने निकाला पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स यानी कि पाई को आप यहाँ पे लिख सकते हो थ्री पॉइंट वन फोर थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू यहाँ पे इंटू ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन सो यहाँ से आपका आंसर निकल के आता क्लियर सो ईज़िल आप इसको न्यूमेरिक कैलकुलेटर से सॉलो कर सकते थे ऊपर जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री नीचे फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट दैन थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स देन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता क्लियर वही बच्चा इसको कर पाता जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है न्यूमेरिकल सो so, देखिए एम मीटर अगेन लेंसला के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है देखिए नाउ इस क्वेश्चन को हम देखते हैं न्यूमेरिकल को अगेन तीन मार्क का न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल आपके एट मार्क्स पूछे गए थे अ कैपेस्टर ऑफ वन माइक्रोफेरड सो कैपेस्टम आपको कितनी दी गई है वन माइक्रोफेरड कन्वर्ट करिए एवरीबडी नो एक माइक्रोफेरड हमारा कितना होता है सो दिस विल बी वन इंटू टेन रो पावर पार माइनस सिक्स फैरड क्लियर देन कनेक्ट टू आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है ए सी सोर्स के साथ जिसका ई एम एफ़ ई एम एफ़ के लिए इक्वेशन हमारे पास कितनी है इसने दिया है टू हंड्रेड कॉस वन टू जीरो पाई टी सो ये इक्वेशन आपको इसने दी है अच्छा फाइंड आर एम एस वैल्यू आपको आर एम एस वैल्यू निकालना था किसका करंट का सो so, आपको आई आर एम एस बेसिकली निकालना था यहाँ से देखिए नौ देखिए ये हमारे पास होती है इक्वेशन क्लियर करंट जो ए सी हमारे पास होता है वहाँ पे हमने इक्वेशन देखी थी आई इसकॉल टू आई नॉट का सुमेगा टी या फिर ई e स्क्ल टू ई e नॉट का सुमेगा टी कुछ भी आप बोल लो क्लियर कॉ सुमेगा टी सो so, यहाँ से आपका जो ई e नॉट है क्लियर ई नॉट यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा ई नॉट यहाँ से आपका टू हंड्रेड निकल के आएगा क्लियर सो ओमेगा को देखिए ओमेगा आपका कितना वन हंड्रेड ट्वेंटी पाई सो ओमेगा आपका हंड्रेड एंड ट्वेंटी पाई यहाँ से देन वी नो दैट जो आई आर एम एस हमारे पास होता है इट इज़ ई आर एम एस या फिर आप वी आर एम एस भी कह लो आपकी मर्जी जो आप कह लो ई e आर एम एस या फिर वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्स सी के बराबर होता है और जो वी आर एम एस हमारे पास बेसिकली हो, होता है दैट इज़ वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू इन हमारे पास क्या बचेगा एक्स सी यहाँ से क्लियर सो वी नॉट मेरे पास कितना वी नॉट कितना या फिर आप इसको ई नॉट बोलिए या फिर वी नॉट आपकी मर्जी दिस इज़ टू हंड्रेड सो इट इज़ टू हंड्रेड यहाँ से डिवाइड बाई अंडर रोड टू यहीं पे हमारा क्लियर अंडर रोड टू को आप अगर सॉलो करोगे एवरीबडी नोस अंडर रोड टू हमारे पास होता है वन पॉइंट फोर वन फोर क्योंकि देखिए अंडर रोड टू का वैल्यू अंडर रूट थ्री देन अंडर रूट फाइव अंडर रूट सिक्स एटलीस्ट ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए अंडर रोड टू हमारे पास होता है वन पॉइंट फोर वन फोर सो वन पॉइंट फोर वन फोर बट कैलकुलेटर भी आपको अलाउ था सिंपल वाला अच्छा एक्स सी अगर मैं एक्स सी की बात करूं एक्स सी हमारा कितना होता है वन बाई ओमेगा सी सो so, अगर एक्स सी हमारा कितना है वन बाई ओमेगा सी आई कैन राइट इट एज़ टू हंड्रेड डिवाइड बाई वन पॉइंट वन फोर अच्छा यहाँ से ओमेगा सी ऊपर जाएगा ये गया ऊपर दिस विल भी टू हंड्रेड डिवाइड बाई वन पॉइंट वन फोर इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना ओमेगा हंड्रेड एंड ट्वेंटी पाई सो हंड्रेड एंड ट्वेंटी पाई का वैल्यू डालिए थ्री पॉइंट वन फोर इंटू अगर आप पाई में भी रखना चाहते आप पाई में रख सकते थे इंटू सी सी का वैल्यू कितना टेन टू दावर माइनस सिक्स यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाता 10 टू दी पावर माइनस सिक्स इतना आपको निकालना था एंड यहां से आपका वैल्यू निकल के आ जाता कैलकुलेटर के साथ क्लियर होप आपने ये क्वेश्चन भी किया होगा देन कैलकुलेट डिब्रोगली वीव लेंथ एवरीबडी नो क्लियर डिब्रोगली इक्वेशन दिखाया था देखिए बोर्स मॉडल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एंथ रेडियस क्लियर रेडियस आर एंथ के लिए आपको इक्वेशन निकाली थी निकालनी थी यहाँ पे क्लियर वेरी इजी क्वेश्चन अगेन इसकी डिरीवेशन भी मैंने आपको अच्छे से दिखाई थी कैसे हम आर एंथ निकालते हैं ई e एंथ निकालते हैं सब चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं एंड आर एन के लिए आप ये इक्वेशन भी लिख सकते थे जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वायर बाई जड ये आपको कैलकुलेट करनी थी क्लियर then distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductor forward and reverse biasing clear then क्लियर देन देखिए लॉन्ग क्वेश्चन तो इजी होते ही हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन्स आपके लास्ट फाइव ईयर्स से ही होते हैं इसमें गेस वर्क हर कोई लगा सकता है सो so, बेसिकली जो इलेवंथ वाले हमारे बच्चे हैं एक काम करिए गेस पे डिपेंड ना रहिए क्योंकि अब पेपर अच्छे खासे पूछे जाते हैं स्पेशली आपके वन मार्क एंड टू मार्क अच्छे पूछे जाते हैं एंड न्यूमेरिकल्स तो ठीक ठाक ही होते हैं बोर्ड के देन गॉट्सला के ऊपर क्वेश्चन कैपस्ट, कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन देखिए डाइपोल हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेरा एक्सप्रेशन फॉर टार्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट देन फोर्स पर यूनिट लेंग्थ के ऊपर यहाँ पे डेरिवेशन सो so, इस टाइप से क्वेश्चन देखिए मैंने क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट आ गया था मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का बट आ, टेक्निकल फॉल्ट के कारण फिर वो अपलोड नहीं हुआ फिर टाइम ही नहीं मिला क्योंकि फिर आपके एम सेशन लाए बट मैंने इतना मेक श्योर किया था कि अगर माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आए इतना बाकी पढ़ाया था आपको कि बाकी सारे क्वेश्चन आपके बनते क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें आपसे और पार्ट पूछा जाएगा सो इंटरफेरेंस हमने देखा था यंगस्ट डबल सिलिट एक्सपेरिमेंट को डिटेल में देखा था सो so, ये कौन सी सीरीज हमारे पास थी ये थी हमारे पास जेड सीरीज नाउ नेक्स्ट सीरीज है यहां पे दिस इज शायद एक्स सीरीज यहां पे देखिए अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्जेड इफ सो इफ गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू इट क्लियर देन इट इज पॉसिबल टू हैव पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी एट पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी देन देखिए करंट डेंसिटी की जे की बात हो रही है करंट डेंसिटी हमारे पास होता है आई बाई ए दैन विच आर दी फॉलोइंग इज फैरो मैग्नेटिक क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लियर फैरो मैग्नेटिक शब्स यहाँ पे हमारे पास कौन सी है निकल ए ट्रांसफार्मर इज़ यू टू चेंज ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि वाई सी वर्षा काम करता है बट खाली ए सी के लिए काम करता है दियर वो हाई वोल्टेज ए सी इंटू लो वोल्टेज ए सी क्लियर यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते बट हमेशा आपको याद रखना था अल्टरनेटिंग

विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ प्लान वेव फ्रंट यहाँ पे नन क्योंकि बेसिकली जो प्लन वेव फ्रंट हमारे पास होता है अगर मैं प्लेन वेव फ्रंट की बात करूँ बेसिकली यहाँ से जो लाइट आनी चाहिए वो हमारे पास डिस्टिंक्ट सोर्स या फिर इन्फिनिटी से आनी चाहिए क्लियर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ क्लियर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है एंड पिछले सालों में ये क्वेश्चन पूछा जाता था बोलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू या फिर एक मिलियन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू वोल्ट का वैल्यू सो इट इज़ वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दा पावर माइनस नाइन्टीन जूल बेसिकली कहाँ पर आप पढ़ते हो वर्क फंक्शन फाइव में देन अगेन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है देखिए अगेन डी के शेप क्वेश्चन पूछा गया एंड अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे पी थर्टी फिफ्टीन गिव एस आई थर्टी फोर्टीन गिव एक्स लास्ट ईयर मैंने बच्चों को पढ़ाया था बट इस साल नहीं पढ़ाया क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था एंड एक्स जो यहाँ पे बेसिकली होता है इट इज़ पॉजिटन सो बेसिकली अगेन यहाँ पे बीटा डिकी की बात हो रही है देन द टाइप ऑफ बॉन्ड इन सिलिकॉन क्रिस्टल एवरीबडी नोस कोल एंड बॉन्ड हमारा सिलिकॉन में देन देखिए इक्पोटेंशियल सर्फेस के ऊपर ऊपर क्वेश्चन सेल्फ इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट कारण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है सिनेल्स ला के ऊपर क्वेश्चन देन बाकी न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ पे सेम ही है क्लियर बाकी क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं मेरे को बाकी क्वेश्चन यह, यहाँ पे सब सेम लग रहे हैं एंड ये आपकी यहाँ पे थी एक्स एंड जेड सीरीज वाई सीरीज किसी बच्चे ने सेंड नहीं की एंड वाई सीरीज़ भी ऐसे ही ठीक ठाक रही होगी नाउ अगर हम लेवल की बात करें लेवल की अगर मैं बात करूँ जो लास्ट ईयर का पेपर आया था सेम लेवल मैं कहूंगा ज़्यादा थोड़ा मैं कहूँगा उससे ठीक बट आलमोस्ट जो लेवल हमारे पास है अगर हम पांच कैटेगरीज़ में डिवाइड करें ए बी सी डी ई यानी कि ईजी की अगर मैं बात करूँ ईजी देन ईजी नहीं पहले वेरी ईजी की बात करेंगे देन ईजी की बात करेंगे देन मीडियम देन हार्ड देन वेरी हार्ड क्लियर देन वेरी हार्ड बट अगर आप देखोगे लास्ट फोर इयर्स के पेपर सो so मैं इसको मीडियम कंसिडर करूँगा हार्ड नहीं बट देखिए फिज़िक्स में क्या होता है फिजिक्स में हर साल पेपर अच्छा खासा आता है एंड बच्चों को ऑलरेडी कुछ बच्चों को मेजोरिटी uh, ऑफ बच्चों को ऑलरेडी फिजिक्स टफ़ लगती है एंड सिलेबस की भी अगर हम बात करें सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है बट देखिए आपको काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना होता है अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की बात करूँ जो आपको नंबर ऑफ़ डेज दिए गए थे वो दो ही दिए गए थे सो उस हिसाब से मैं इसको हार्ड में भी रख सकता हूँ बट किस हिसाब से जो आपको नंबर ऑफ़ डेज़ दिए गए थे वो खाली दो दिए गए थे सो तो उसके हिसाब से पेपर हार्ड बनता है बट अगर आपने डंग से लेक्चरस देखे हैं मेरे भी या फिर कहीं से भी आपने पढ़ा होगा साल भर या फिर तीन चार महीने अच्छे से बोर्ड के लिए सो तो आपको ये मीडियम पेपर लगता है या फिर आप इसको ईजी टू मीडियम भी बोल सकते थे बट क्योंकि नंबर ऑफ़ डेज़ आपको दो ही दिए गए थे सो तो इसको मैं हार्ड कंसिडर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ डेज अदरवाइज पेपर मीडियम है जैसा लास्ट थ्री या फोर ईयर से आ रहा है वैसा ही आया कोई यहाँ पे सरप्राइजिंग पैकेज नहीं है नो सरप्राइजिंग पैकेज जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा केमिस्ट्री में आपको सरप्राइजिंग पैकेज मिला क्योंकि केमिस्ट्री में लेवल जो आ रही थी लास्ट फोर ईयर से दैट वॉज ईजी लेवल इस साल उन्होंने मीडियम या हार्ड कर दी आपको पेपर वेरी हार्ड लगा क्लियर सो होप आपका पेपर जो है या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा अब जिसका नहीं गया होगा डोंट वरी एट लीस्ट पास तो हुआ होगा क्लियर ऐट लीस्ट पास तो हुआ होगा क्योंकि आप लोगों को मे बी नीट या जेई में अपीयर होना है बट जेई वालों को ध्यान रखना होता है परसेंटेज का एट लीस्ट आपको सेवेंटी फाइव परसेंट आने चाहिए नीट वालों का ये मसला नहीं होता है सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स थैंक यू ऑल